नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। रविवार को जहां पीएम मोदी ने घाटशिला के मऊ भंडार राम मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया गया। इधर मंगलवार को इंडिया गठबंधन की ओर से विष्णुपुर स्थित ऐतिहासिक रीगढ़ मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। सभा को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी संबोधित किया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर कुमार मोहंती के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा, मोदी जी आदिवासियों से नफरत करते हैं और यही वजह है कि राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराया, क्योंकि वह आदिवासी थे। पूरे देश के एकमात्र आदिवासियों के सर्वमान्य नेता हेमंत सोरेन थे, इसलिए उन्हें साजिश के तहत जेल भिजवा दिया। मुझे भी जेल भिजवाया, मगर बजरंग बली की कृपा से मैं जेल से बाहर हूं और तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक दिल्ली की सत्ता पर इंडिया काबिज नहीं हो जाती। उन्होंने झारखंड के आदिवासियों का आह्वान करते हुए इस लोकसभा चुनाव में बदला लेने और 14 की 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेरे बड़े भाई के समान है। वैश्विक त्रासदी कोरोना महामारी के दौर में उन्होंने दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता की काफी मदद की थी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की तुलना झांसी की रानी से करते हुए कहा कि अपने पति के बिना जिस तरह से उन्होंने चुनावी कमान संभाला है वह काबिले तारीफ है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को अहंकारी बताया और कहा कि अपनी तुलना भगवान जगन्नाथ से कर रहे हैं। भाजपा के 400 पार के नारे को भी उन्होंने जुमला बताया और कहा कि इसकी आड़ में संविधान बदलने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने भाजपा को गुंडागर्दी की पार्टी करार दिया। वहीं केजरीवाल ने अपने जमशेदपुर के चुनावी दौरे को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि जमशेदपुर से मेरा पुराना नाता है। 35 वर्ष पूर्व मैं यहां टाटा स्टील में नौकरी करता था। इसकी आड़ में उन्होंने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा, मोदी जहां जाते हैं वहां से अपना रिश्ता निकालते हैं, मगर मैं जो कह रहा हूं वह सच है। जाते जाते उन्होंने जमशेदपुर की जनता से वादा किया कि यदि जमशेदपुर सीट से समीर कुमार मोहंती चुनाव जीतते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ वे भी जमशेदपुर की जनता को धन्यवाद देने आएंगे। हालांकि आज भी भगवंत मान को यहां आना था, मगर इन मौके पर उनका दौरा स्थगित हो गया। कार्यक्रम में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीजुल हसन, घाटशिला पोटका जुगसलाई और ईशागढ़ के विधायक, इंडिया गठबंधन से जुड़े दर्जनों नेता मंचाशीन रहे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवन 24।